हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पेरेंटिंग ईयर। दोस्तों, किसी वजह से अगर आपका मिसकैरेज हो गया है तो ऑब्वियसली ये टाइम आपके लिए स्ट्रेसफुल हो सकता है, आप इससे काफ़ी परेशान हो सकते हैं। बट कभी भी आप निगेटिव थाट्स को अपने मन में मत लाइए, आप फिर से कंसीव कर सकते हैं, फिर से माँ बन सकते हैं। क्योंकि मिसकैरेज के कुछ दिनों के बाद ही आपकी पीरियड फिर से स्टार्ट हो जाती है और 14 to 28 डेज में ओवुलेशन पीरियड भी स्टार्ट हो जाती है। बट उससे पहले आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि आपका मिसकैरेज किस वजह से हुआ, जिसे आप ध्यान में रखकर डॉक्टर से कंसल्ट कर अपने फिर से प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर सकें। मिसकैरेज के बाद दोबारा कंसीव करने से पहले, दोबारा प्रेगनेंसी प्लानिंग करने से पहले आपको अपने बॉडी को रिकवर होने के लिए थोड़ा टाइम जरूर देना चाहिए, क्योंकि इससे आप फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से इफेक्टेड होते हैं। सो मिसकैरेज के बाद दोबारा कंसीव करने के लिए 3 मंथ्स का टाइम बेटर होता है। 3 मंथ्स के बाद आप फिर से प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर सकते हैं। बट अगर आपका मिसकैरेज सर्जिकल हुआ है तो दोबारा कंसीव करने से पहले, दोबारा प्रेगनेंसी प्लानिंग करने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लें, वो आपके हेल्थ के अकॉर्डिंग आपको बेटर सजेशन देंगे। आइए अब कुछ बातों को जानते हैं जिसे मिसकैरेज के बाद दोबारा कंसीव करने के लिए आपको जरूर अपने ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है, मिसकैरेज के बाद खुद को जल्दी रिकवर करने के लिए आपको प्रॉपर बैलेंस्ड डाइट लेना चाहिए। आपको ऐसा डाइट लेना चाहिए जो आयरन रिच हो, जो कैल्शियम रिच हो। इसके लिए आप पर्ल्स, वेजिटेबल, फ्रूट, ड्राई फ्रूट, मिल्क, इन सबको डेली बेसिस पर अपने डाइट में आप जरूर इंक्लूड करें। ऐसा करने से आप बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं। सेकेंड पॉइंट है, फिर से हेल्दी प्रेगनेंसी प्लानिंग के लिए आपको स्ट्रेस या टेंशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस से फर्टिलिटी पर इफेक्ट पड़ता है। थर्ड पॉइंट है, दोबारा कंसीव करने से पहले या दोबारा प्रेगनेंसी प्लानिंग करने से पहले आपको अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट ये है कि इस समय जितना हो सके आपको पानी पीना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि आप एक दिन में 3 लीटर तक पानी पी जाए। फिफ्थ पॉइंट है, आपको ज़्यादा भारी वजन के सामान नहीं उठाने चाहिए। सिक्स पॉइंट है, आपको बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए। और अब लास्ट पॉइंट ये है कि आपको ज़्यादा चाय या कॉफ़ी इनटेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें कैफीन होता है और ज़्यादा कैफीन कंज्यूम करने से फीटल के ग्रोथ पर, डेवलपमेंट पर इफेक्ट पड़ता है, मिसकैरेज जैसी प्रॉब्लम भी हो जाती है। जैसे ही आप दोबारा कंसीव करते हैं, आप पूरे प्रेगनेंसी के टाइम हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए, हेल्दी डिलीवरी के लिए, किसी भी तरह के कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए आप अपनी प्रॉपर टेक केयर जरूर करें, प्रॉपर डाइट जरूर लें। अगर आप प्रेगनेंसी के डेली डाइट को जानना चाहते हैं, प्रेगनेंसी में अपनी टेक केयर कैसे करनी है, क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, इसे जानना चाहते हैं, तो इसकी सेपरेट वीडियो आपको ऊपर आई आइकन पर मिल जाएगी, वहां जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलिएगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। पेरेंटिंग केयर पर अगर आपने नया विजिट किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।